अच्छे पैसों के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, बट ओके नौकरी के लिए अच्छी डिग्री, रेंट नहीं करना चाहिए, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी, ब्राउन हाउस होल्ड का है, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, बोर्ड फन ज्यादा नहीं हो सकता हमारे घरों में, ये तुम मानोगे कैसा है। ड्रामा याद आ गया मुझे। हाय एवरीवन, दिस इज मेघना शाक एंड नाउ दैट यू आर इनटू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और मे बी यू going to join a very prestigious one, I am here to help you guys once again. And you must be wondering कि यार ये Instagram पे तो complain कर रही होती है कि मैंने नहीं बनानी videos university के बारे में। Tension मत लें, ये university के बारे में video नहीं। मैं कोशिश ये करूँगी इस video में कि बहुत सारी misinformation है regarding टॉप यूनिवर्सिटीज, वो मैं क्लियर आउट करूँ। बहुत सारी गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, क्योंकि आपको ऐसे बताया जाता है कि बस तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्मूथ, स्मूथ स्किन की तरह। आई हैव बीन थ्रू दिस। मैं जब यूनिवर्सिटी गई थी तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए ऐसी थी, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब आवाम के लिए ऐसी थी कि यार ये तो हम वी हैव बीन फूल्ड, दे हैव बीन टेलिंग अस लाइज, दीज एल्डर पीपल, और वो बस चाहते थे कि हम बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स ले लें, और ये तो सिनेरियो ही डिफरेंट। तो वो सब चीजें मैं क्लियर करूंगी तुम लोगों के साथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और मैं तुम लोग, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एक अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव बीन हेल्पिंग यू गाइज फॉर सो लॉन्ग, मेरी पूरी जिंदगी लग गई, और मैं जिंदगी लगाने में कोई मसला नहीं है मुझे। तुम लोगों को भी इन रिटर्न मेरी मदद करनी चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 90% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं दे हैवंट सब्सक्राइब्ड, आई डोंट नो व्हाई, बस तुम आते हो अपने काम की इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हो। दिस सो रूड, दिस इज सो अनएथिकल, आपको तमीज नहीं है यार। आप मैंने आपका 30 सेकेंड इसलिए जाया की कि आप सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, सपोर्ट। अच्छा, दिस पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में ऊपर टॉप पे डाला है। एक मैं पैटर्न तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे तुम सब रिलेट करोगे और तुम सुनते भी आ रहे हो, मगर मैं फिर भी रिपीट करूंगी। 8th तक हम लोग सब बहुत पढ़ते आ रहे थे, पोजीशंस लेते आ रहे थे, मैं एक पोजीशन होल्डर इंसान थी। अब तुम अगर मुझे यूनिवर्सिटी से देख रहे हो तो तुम सोचोगे कि यार कैसे पोजीशन तुम होल्डर थी। यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने आपको पढ़ने दिया, ठीक है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं टॉप करती हूँ, तो मैंने आपको करो टॉप, आपको जिसका सीईओ बनना है, जिस इंडस्ट्री का, जिस कंपनी का, जाओ। गलत बात। 8th तक हम सब पढ़ते आ रहे थे बगैर वजह के, और हम लोगों का एक टाइम शेड्यूल था हमारे घर में, तो कोई पढ़ना है फिर 2 घंटे ही टीवी चलेगा, वो भी अम्मा के होते हुए कुछ देखते थे हम, और उसके बाद टीवी नहीं होगा, फन नहीं होगा। अच्छा, ये ब्राउन हाउस होल्ड का है कि फन ज्यादा नहीं हो सकता हमारे घरों में, हमें लगता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं अगर एक बच्चा 8 घंटे खेल रहा है तो ये गलत काम है, ठीक है। हालांकि बच्चे आर सपोज टू हैव फन, दे आर सपोज टू प्ले, बट ओके, मैं ये रेंट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं ब्राउन पेरेंट्स को यहाँ पे ट्रोल करूं या नो। 8th तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और फिर आ जाता है बोर्ड, फिर हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं सीरियस कि यार अब देखो तुमने जितना, ये तुम मानोगे कैसा है, वो हमें बताते हैं। जैसे मेरी अम्मा अब्बा ने मुझे बताया कि देखो अब तक तुम फन कर रही थी बेटे, मगर अब फन खत्म, अब ये है बोर्ड, बोर्ड बोर्ड ऐसे है जैसे, क्या मैं अब एग्जांपल दूं, मैं बिल्कुल ट्रॉमा याद आ गया मुझे, बहुत सीरियस लिया उसको हमने। अब हमारे कजन्स भी थे और हमें था कि यार बोर्ड, ये नहीं पता कि क्यों, हमने कभी ये नहीं पूछा था कि बोर्ड में क्यों मार्क्स लेने हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में फिर क्या सीन होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना होगा हमें, और यूनिवर्सिटी में मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसकी तरफ मैं आ रही हूँ। फिर हमने बोर्ड में पढ़ना शुरू किया, और 9-10 में हम जब पढ़ लेते थे तो हम लोग को कहा जाता था कि बेटे बस अब तुम बहुत ईजी 9-10 कर रहे हो, अब है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ डिसाइड होगी, तुमने जाना है कॉलेज यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नो जोक नो फन, बस पढ़ो अच्छे मार्क्स लो और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, फिर स्मूथ लाइफ, मतलब तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, बस यही तो करना है। तो हम करते आ रहे थे, फिर हम यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी से पहले एक और हमारे साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, अम्मा अब्बा कहते देखो तुम यूनिवर्सिटी में चले गए, दैट्स इट,
खत्म ना, स्टोरी खत्म, बस कर ली जितनी मेहनतें करनी थी हमने। मगर स्टोरी उधर से शुरू होती है, स्टोरी कहीं खत्म नहीं होती और तुम पागल बनते ही चले जाते हो। हम ऐसे सोचते हैं कि मार्क्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट इन टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, मगर ऐसा सच नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, फ्रेंड्स थे, उनके 700 मार्क्स थे और उनके मार्क्स बहुत कम थे, दे स्टिल गॉट इन टू एयर। नस्ट में भी ऐसे होता है, तो मगर नस्ट से हो या तुम जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बहुत कम मार्क्स वाले भी नस्ट में होते हैं और फिर हजारों मार्क्स वाले भी नस्ट में होते हैं। और इसमें एक और मजे की बात है, जिनके मार्क्स कम होते हैं ना, कई दफा वो टॉप कर रहे होते हैं क्योंकि वो एग्जॉस्टेड नहीं आते सेकेंड ईयर तक। वो एग्जॉस्टेड नहीं है कि पढ़े ही जा रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़े ही जाए, नहीं, फिर उनको होता है कि ठीक है यार अभी सही डील है, क्योंकि उनको सही से गाइड किया जाता है तो वो उसको सीरियस लेते हैं यूनिवर्सिटी को। तो मार्क्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट 6 मंथ्स तुम एडमिशन टेस्ट की, एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लो। ये मिसाल ऐसी है कि सपोज तुम 4 साल से भागते चले आ रहे हो और तुम्हें ओलंपिक्स में भागना है, ठीक है, और तुम 4 साल खूब प्रैक्टिस करते हो, मगर ओलंपिक्स से 6 महीना पहले तुम रुक जाते हो। तुम कहते हो यार अब मैं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है अपना टाइम, मैं सब बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ और मैं दे लूंगा और 6 महीने मैं रेस्ट करूंगा और आप प्रैक्टिस छोड़ दो। तो जब ओलंपिक्स होंगे तो तुमने पीछे से कितनी मेहनत की है वो मैटर नहीं करेगा। लास्ट 6 मंथ्स इम्पोर्टेंट थे, वो दूसरा बंदा ले गया, आप हार जाओगे, मेडल दूसरा बंदा ले जाएगा। तो लास्ट 6 मंथ्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए 600 नंबर वाले भी, 700 नंबर वाले भी आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, नस्ट में, एयर में, फास्ट में, सब बड़ी यूनिवर्सिटीज में। एयर बड़ी में नहीं आती वैसे। तो आप 6 महीने के लिए अकेडमी जा सकते हो, यू ज्वाइन किप्स और नेस्ट और वट एवर, मगर जो लोग ऐसे कर लेते हैं 6 महीने लास्ट, मेहनत कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको दो चीजें प्रैक्टिस करनी होती हैं, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एमसीक्यूज को सॉल्व करो। एमसीक्यूज तुम्हें आने चाहिए और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे तो तुम फटाफट टिक टिक टिक। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको सारी बुक आती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, मगर टाइम मैनेज वो नहीं कर पाते हैं। यूटी में बड़ा टाइम कम होता है, उसके टेस्ट में बहुत मुश्किल बनती है, आपको सर्कल्स फिल करने होते हैं, नेक्स्ट का भी मुश्किल थोड़ा ट्रिकी होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है लोगों से। 20% मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैटर करता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है, 10% या 20% ही मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। तो बाकी 60%, ये तो मैं श्योर हूँ, 60% एंट्री टेस्ट पे ही रिलाई करता है कि आपने जाना है यूनिवर्सिटी में कि नहीं जाना। तो लोग वहां पे बाजी ले जाते हैं, थोड़े मार्क्स कम भी होते हैं तो वो चल जाता है। लास्ट 6 मंथ्स को सीरियस लो, प्रैक्टिस करो और बेशक अकेडमी ज्वाइन करो, तुम यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। ये 4 साल हलकान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 इज यू थिंक दैट यू हैव टू गेट इनटू द टॉप यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, और सिर्फ बेस्ट यूनिवर्सिटी ही तुम्हें बचा सकती है, विच इज नॉट ट्रू। सबको ऐसे लगता है कि हम ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं, पियास, जीकी, फास्ट, नेस्ट, यूईटी, तो इसके अलावा हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तुम बर्बाद नहीं होगे। हम लोगों को पता है क्या समझ नहीं आती, जब हम छोटे होते हैं तो हम इतने ज्यादा ना क्वेश्चंस नहीं पूछते, इतने ज्यादा लॉजिकल नहीं होते, इतने ज्यादा रीजनेबल नहीं होते, जो जिस तरह कहता है उसी तरह करते चले जाते हैं कि अच्छा मार्क्स लेने हैं, ओके ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है चले जाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी जाना है चले जाते हैं। क्यों जाना है ये हम नहीं पूछते कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, व्हाई डू वी हैव टू गेट इनटू नस्ट। अच्छा नस्ट की डिग्री बहुत अच्छी है, अच्छी डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम ये चीज को सॉल्व करते चले जाएं और सोचते चले जाएं तो हमें पता लगेगा कि इन द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टू गेट अ गुड जॉब, अ गुड लिविंग। बेसिकली हम लोगों को अच्छे पैसे चाहिए ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें, और अच्छे पैसों के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी के लिए अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छी डिग्री मिलेगी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स, विच इज नॉट ट्रू। ये सारी इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, एक्यूरेट नहीं है एंटायरली ये, कि मैं ये जानती हूँ कि यूनिवर्सिटीज इन द एंड मैटर नहीं करती, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है।
आपको क्या आता है और आप कंपनी को क्या दे सकते हो, ये मैटर करता है। कंपनी में जिसने भी आपको रखना है वो ये देखेगा, आर यू वर्थ इट, क्या आप उसको अच्छा काम करके दोगे, क्या आप उसकी कंपनी को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या आपको बोलना आता है, क्या आपको डीलिंग आती है, क्या आप कंपनी को आगे लेके जाओगे। जो लोग कंपनी की नीड पूरी कर सकते हैं उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि एलिजिबल हो, जो कि टैलेंटेड हो, जो कि स्किलफुल हो और बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर सकता हो। तो वो अगर उनको छोटी यूनिवर्सिटी की डिग्री वाला भी मिलेगा वो रखेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा है नेस्ट वाले से या एयर वाले से। तो लोग आम यूनिवर्सिटीज से पढ़ के भी बड़ी जॉब्स लगवा लेते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज वाले भी बस बैठे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया होता। वो लोग मल्टीटास्किंग नहीं होते, वो स्किलफुल नहीं होते हैं, वो उन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती उनकी, उनका विजन नहीं होता, उतने एम्बिशियस नहीं होते। तो ये एक कुछ फैक्टर्स हैं। Why everyone talks about big universities? कि यार प्यास नस्ट जी की जाओ। Environment की वजह से, environment उनका different है। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसकी वजह से आप competition आपके अंदर पैदा होगा, आप ambitious हो जाओगे, आप चीजें अचीव करना चाहोगे, अपनी स्किल पॉलिश करना चाहोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव कर जाएंगी। छोटी यूनिवर्सिटीज में एक ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो आवाम होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते, मेंटल ग्रोथ उनकी नहीं हुई होती, उनकी स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं होती, आप इतना ज्यादा सीखने का चांस नहीं है। मगर जो सीखते हैं वो तो सीखते हैं, ऑब्वियसली हम लोगों को एग्जाम्पल्स मिलती हैं, तो वो खुद सेल्फ ग्रोथ उनकी जितनी भी वो कर सके कर लेते हैं, मगर उनको चांसेस नहीं होते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो जी की जाने वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो खुद को पॉलिश कर पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये प्रोबेबिलिटी की वजह से पीपल वांट यू टू चूज द टॉप यूनिवर्सिटीज जिनका नाम हो, जिनकी एनवायरनमेंट अच्छी हो, ताकि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और आप एक अच्छे सोसाइटी में परफॉर्म करने वाले प्रोडक्टिव इंसान हो। तो सिर्फ वहां पे बड़ी यूनिवर्सिटीज मैटर करती हैं एनवायरनमेंट की बेसिस पे, यहाँ पे मैटर नहीं करती। ये बिल्कुल झूठी बात है कि आपकी जॉब कंफर्म लगेगी अगर आप नर्स से पढ़ लो, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, आप जिंदगी में कामयाब ही होगे। ये बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं करती, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर जिंदगी में किसी ने कामयाब होना है तो वो डिग्री के बगैर भी कामयाब होगा, और छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी होगा और कम जीपीए से भी होगा। जिसको होना है उसको होना है, उसको आगे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है।